तो गाइस यार आज मैं बताऊंगा माइनक्राफ्ट में एक जॉम्बी विलेजर को विलेजर में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे इजी तरीका बताऊंगा वो भी हिंदी में। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सच में भाई साहब आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा ताकि यार आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो हमें दवाई बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके मदद से हम जॉम्बी विलेजर को विलेजर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए चाहिए आप लोगों को ग्लास बोतल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को चाहिए 3 ग्लास बोतल। ठीक है, इस ग्लास बोतल में ना आपको पानी भरना है 3 में। तो मैं यहाँ पर पानी में आया और 1, 2, 3, तो 3 मैंने ग्लास में बोतल में डाल दिया। ठीक है, और इन तीनों को आप लोगों को ये ब्रेविंग स्टैंड जो दिख रहा है ना इसके ऊपर रखना है। तो यार देखो इस ब्रेविंग स्टैंड को बनाने के लिए तो आप लोगों को यूट्यूब में सर्च कर लेना है, ठीक है, वरना अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का रखना है। यहाँ पर ये जो वाटर बॉटल है मैंने इनको तीनों जगह पर रख देनी चाहिए। ठीक है, अब इसको चार्ज करना पड़ेगा गाइस। चार्ज करने के लिए आप लोगों को चाहिए ब्लाज रॉड। अब इसको कैसे मिलते हैं, ये तो नेदर में मिलता है गाइस। आप लोगों को नहीं पता तो यार यूट्यूब में सर्च कर लेना, और इससे आप लोग क्राफ्टिंग करके बना सकते हो ब्लास्ट पाउडर। ठीक है, ब्लास्ट पाउडर आप लोगों को यहाँ पर रखना है। तो ये जो है ब्रिमस्टोन चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर फुल चार्ज हो चुका है। तो आप लोगों को ना कुछ चीज़ों की नीड होगी, यानी कि कुछ चीज़ें आप लोगों को जुगाड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं मशरूम ले लेता हूँ, आप लोगों को भी लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो बहुत बड़ा एक मशरूम का पेड़ है, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, मुझे इससे मशरूम मिलेगा। और यार कौन सा मशरूम ठीक से देख लो, ये वाइट वाइट कलर का टाइप का है। ठीक है, और ये जो शुगर केन दिख रहा है ना इसको तोड़ लेना है, इससे हम लोग बनाएंगे शुगर यानी कि चीनी, समझे, इसको तोड़ लेना है बस। तो यहाँ पर मुझे शुगर केन मिल चुका है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमने शुगर एंड जो मशरूम है उसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और शुगर तो आप शुगर केन से ही बना सकते हो क्राफ्टिंग टेबल के मदद से। और भी दो चीज़ों की हमें नीड होगी, तो वो हम रात में लेंगे। ठीक है, जॉम्बी को एंड स्पाइडर को मारना होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक घर बनाना पड़ेगा। आप घर भी बना सकते हैं या फिर कहीं पर भी जॉम्बी विलेजर को विलेजर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर जॉम्बी विलेजर को विलेजर बनूंगा, तो इसके लिए मैं एक घर बना रहा हूँ। ठीक है, वैसे मेरा मत देखो भाई, मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए बस। तो यहाँ पर बन के तैयार है, देख लो इस तरीके का मैंने छोटा मोटा घर बना लिया। ठीक है, जहाँ पर मैं जॉम्बी विलेजर को विलेजर करूँगा। एंगस आप लोगों को एक और चीज़ चाहिए जो कि है ये बोट। ठीक है, एक बोट बना लेना है क्योंकि ये काम में आएगा, बाद में पता चलेगा। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रात हो चुका है और मैं क्रीपर को मार रहा हूँ, आप लोगों को इसको मारना है। ठीक है, तो इसको मारने से आप लोगों को मिलेगा क्या बोलते हैं उसको, गन पाउडर मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मिल गया 2 गन पाउडर। ओके, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, गन पाउडर को चेस्ट में। एंगस आप लोगों को स्पाइडर को मारना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्पाइडर को मार रहा हूँ, इनको मारने से आप लोगों को मिलेगा स्पाइडर आई। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मैंने स्पाइडर आई को भी कलेक्ट कर लिया। और इन चारों चीज़ों को आप लोगों को नीड है, यानी कि इन चारों से ही हम दवाई बनाने वाले हैं गाइस जॉम्बी विलेजर को विलेजर बनाने के लिए। तो अब मैं इन चारों सामान को ले लेता हूँ क्योंकि इनसे आप बनाऊंगा मैं दवाई। और वो कैसे आप लोगों को दिखा, तो आप लोगों को क्राफ्टिंग टेबल में जाना है और यहाँ से आप बना सकते हो इसे फर्मेंटेड स्पाइडर आई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है फर्मेंटेड स्पाइडर आई को बना लिया। ठीक है, अब इसको आप लोगों को ब्रेंग स्टैंड में यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है दवाई बन जाएगा। लेकिन यार नहीं नहीं अभी भी नहीं बना है, एक और चीज़ डालना है, वो है गन पाउडर जो कि हमने क्रीपर को मार के लिया था। ठीक है, वो गन पाउडर डालेंगे, पहले इसको रेडी होने देते हैं। तो लगभग बस ये हो ही गया, ये बस हो गया। और आप लोगों को अब मुझे लेना है गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर लेना है आप लोगों को, और गन पाउडर लेके आप लोगों को फिर से जाना है ब्रिंग स्टैंड में। ब्रिंग स्टैंड में जो जाता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को गन पाउडर रख देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्प्लैश पोजिशन ऑफ वीकनेस। यार कब से मैं दवाई दवाई कह रहा था, लो आप नाम भी सुन लो, स्प्लैश पोजिशन ऑफ वीकनेस। ठीक है, इस दवाई का नाम है। अब एक और चीज़ आप लोगों को ज़रूरत है, वो है एप्पल। ठीक है, तो एप्पल लेने के लिए आप लोगों को पेड़ पौधे काटना है, तो पेड़ पौधे काटने से आप लोगों को मिल जाएगा एप्पल। एप्पल लेने के बाद आप लोगों को चाहिए कुछ गोल्ड्स। ठीक है, गोल्ड्स लेने के बाद आप लोगों को जाना है क्राफ्टिंग टेबल में। तो यहाँ पर मैंने आया क्राफ्टिंग टेबल में और ये देखो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं गोल्डन एप्पल। तो आप लोगों को गोल्डन एप्पल को ले लेना है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। एंड उससे पहले आप लोगों को देखना है अपने इन्वेंट्री चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे कि आप मैं देख सकते हो मेरे पास बोट है, स्प्लैश पोजिशन ऑफ वीकनेस है, गोल्डन एप्पल है। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे मिल गया एक जॉम्बी विलेजर, जैसे कि देख सकते हो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के पीछे पीछे ही आएगा और अगर आप इसके पास जाओगे तो ये मारेगा। तो ये जब आ जाए ना तो यहाँ पर बोट रख देना है बस। देख सकते हो मैंने क्या किया गाइस, ये बोट में बैठ जाता है यार। और बैठने के बाद आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करना है, स्प्लैश पोजिशन ऑफ वीकनेस इसको डाल देना है और इसके पास जाके गोल्डन एप्पल को भी खिला देना है। कैसे खिलाना है, उसके पास जाके, लेकिन मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं जाने का, थोड़ा सा जाने के बाद उसको लॉन्ग प्रेस करके आप स्प्लैश पोजिशन ऑफ वीकनेस को भी डाल सकते हो उसके
शरीर पे, एंड गोल्डन एप्पल को भी खिला सकते हो लॉन्ग प्रेस करके, ठीक है। लॉन्ग प्रेस का मतलब आप समझ रहे हो, अपने फोन के डिस्प्ले को मतलब कि दबा कर रखना है, उसके कहते हैं लॉन्ग प्रेस, होल्ड करके रखना है, होल्ड, ठीक है। तो ये कुछ मिनटों में ज़ॉम्बी विलेजर से विलेजर बन जाएगा, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर विलेजर बन गया। तो यही था यार आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना यार। ऐसी अगर माइनक्राफ्ट में मतलब आप लोगों को कुछ भी जानना है तो यार नीचे कमेंट में बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। माइनक्राफ्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है यार नीचे कमेंट में बता दो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।